हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग रिव्यू करेंगे सिग्नस रॉम 2.0 ऑफिशियल वर्जन का और जल्दी से देख लेंगे कि ये रॉम एक्चुअली में कैसा है, यूज करने लायक है या नहीं, और प्रॉब्लम्स है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है। तो चलिए जल्दी से इसका अबाउट फोन्स में देख लेते हैं कि इस रॉम की डिटेल्स क्या क्या है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम से देख सकते होंगे कि इसका जो एंड्रॉइड वर्जन है वो एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है। साथ ही साथ इसका जो वर्जन है वो है सिग्नस वर्जन 2.0 ऑफिशियल और इसमें जो कर्नल यूज किया गया है वो है पैरानॉइड कर्नल। तो डिटेल्स के बाद अगर इस रॉम के ओवरव्यू के बारे में बात कर ले हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये रॉम एक्चुअली में लैग फ्री है, उतना कोई फ्रेम ड्रॉप भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें पता चल जा रही है कि ये जो लॉन्चर है ये पिक्सल लॉन्चर एक्चुअली में है नहीं, ये लीनेज ओएस का ट्रिबुचेट लॉन्चर है। ये लॉन्चर काफ़ी अच्छा लगता है मेरे को एक ही यूनिक फीचर के लिए इसके, वो है हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स। आप अपने ऐप्स को हाइड भी कर सकते हैं, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट से इसे प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी एक अच्छा फीचर लगता है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे नेटवर्क्स में इसका वाईफाई, फिर सिम से कॉलिंग, वोल्टी, ये सब कुछ एकदम प्रॉपरली वर्किंग है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है वो है इसका वोल्टी वीडियो कॉलिंग ठीक से वर्किंग नहीं है। ये ही इसका स्टार्टिंग या एंडिंग नहीं है, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है इस रॉम में, जो मैं एक एक करके आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल्स में। तो इसके बाद अगर हम लोग आ जाए डिस्प्ले में, तो डिस्प्ले में हम लोग देख सकते हैं काफ़ी अजीब तरीके से स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स, जो कि एंड्रॉइड 10 का काफ़ी एक बेसिक फीचर है, वो पूरा ऑप्शन ही गायब है, यहाँ पे देखने को हमें नहीं मिलता। साथ ही साथ डीसी डिमिंग भी यहाँ पे ऑप्शन तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, क्योंकि कर्नल सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर रहा। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो सेटिंग्स में, तो हम लोग यहाँ पे एक बात तो देख सकते ही है कि इस पूरे सेटिंग में कोई कस्टमाइजेशन सेंटर नहीं है, एक कस्टम रॉम जिसमें कि कस्टमाइजेशन सेंटर नहीं है, तो ये काफ़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज मेरे को लगी। उसके बाद मैं हम लोग अगर चले जाए इसके सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में भी एक मेजर ऑप्शन मिसिंग मुझे मिल रहा है, वो है यहाँ पे फेस अनलॉक अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो इसके बाद ये तो सारे हो गए नॉर्मल प्रॉब्लम्स इस रॉम के। इसके बाद कुछ इंटरनली और भी मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को इस रॉम में फेस करने को मिले, जो कि है इसका बेसिक प्ले सर्विस में प्रॉब्लम है। अगर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने जाए तो वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा, या फिर घूमते ही रहेगा वेटिंग फॉर नेटवर्क, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड नहीं होगा। इनफैक्ट इस रॉम के स्टार्टिंग में भी जो स्टार्टिंग फॉर्मेलिटीज़ पूरे करते वक्त भी मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, बैकअप रिस्टोर ही नहीं कर पाया इसी सेम प्रॉब्लम के लिए। इसके प्ले सर्विस में प्रॉब्लम है, जो कि मैंने सोचा था शायद अपडेट्स के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन पूरे प्ले स्टोर या प्ले सब कुछ अपडेट करने के बाद भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं हुआ, ये प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही है। अभी भी इसमें कोई भी एप्लीकेशन सही से डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। और तो और अगर ये सब तो हो गया इसका नॉर्मल प्रॉब्लम, अब आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। तो परफॉर्मेंस की बात कर ली तो वो भी सही से यहाँ पर नहीं मिल रहा, काफ़ी एवरेज परफॉर्मेंस है, कुछ भी उतना बोलने का नहीं है। मैंने एक गीकबेंच यहाँ पे स्कोर रन किया था, तो उसका मैं हिस्ट्री आप सभी को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंगल को मैं आया था 625, जो कि काफ़ी एवरेज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग कंपैरिजन के लिए यहाँ पे वन प्लस 70 और 7 प्रो को देख ले तो वो लगभग 730 है, जो काफ़ी एक ज़्यादा स्कोर है। अगर मल्टी स्कोर की बात कर ले तो मल्टी स्कोर में हमारे डिवाइस का आया है 2511, तो ये उतना ख़राब नहीं है, ये काफ़ी सही है इसके मामले में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस एकदम बेसिक है, ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं है। तो गीकबेंच के स्कोर्स भी काफ़ी लो आए हैं, और इसमें मुझे यूज़ करने का, और गेमिंग के टाइम में मैं पबजी खेल रहा था, पबजी मैंने इंस्टॉल किया, मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं पबजी में भी मुझे काफ़ी सारे फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिले, तो परफॉर्मेंस में भी ये रॉम उतना कुछ खास नहीं है। अब लास्टली आ जाते हैं बैटरी में, क्योंकि आप सभी कोई एक ही ना ऑप्शन करेंगे, या फिर परफॉर्मेंस में अच्छा हो या फिर बैटरी में अच्छा हो, सभी चाहते हैं दोनों ही लगभग सही हो, लेकिन वैसा हमेशा एक्चुअली होता नहीं है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है उतना, तो इसका मतलब बैटरी लाइफ शायद से अच्छा हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं है। बैटरी लाइफ भी एवरेज सही है, ज़्यादा कुछ अच्छा तो है नहीं, और जो चार्जिंग स्पीड है वो भी अनफॉर्चुनेटली स्लो है। मुझे पता नहीं मैं इस रॉम में एक्चुअली बोलूँ क्या इसमें अच्छा बोलूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है जिसके बारे में मैं बोल सकूँ कि हाँ भाई इस जगह में तो ये रॉम काफ़ी अच्छा है। तो एक पॉइंट तो है एक्चुअली, वो है कि कैमरा में फॉर्चुनेटली ये लोग एनएक्स कैमरा पहले से प्रीलोडेड दिए हैं, जिससे कि हमें MIUI का कैमरा मिल जा रहा है, और कैमरा भी काफ़ी डिसेंटली वर्किंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच कैमरा में। पोर्ट्रेट मोड भी प्रॉपरली वर्किंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, और पॉपअप स्पीड भी काफ़ी अच्छा मेरे को देखने को मिला। फ्रंट कैमरा काम करता है, पॉपअप स्पीड भी काफ़ी अच्छा है, रेस्पॉन्सिव है पॉपअप कैमरा, तो इस मामले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही, कॉलिंग अच्छे से होता है, कैमरा सही सा है, और नॉर्मल UI काफ़ी स्मूथ है।
है। बाकी कोई भी चीज़ अनफॉर्चुनेटली इस रोम में मेरे को उतना पसंद नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं इस रोम को इंस्टॉल कैसे करें। तो गाइस इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लॉक बटन और वॉल्यूम अप बटन को जो है एक साथ दबाना पड़ता है और हमारे जो फ़ोन है उसे कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ता है। तो यहाँ हमें दो फाइल ज़रूरत पड़ेंगे, एक है रोम का जिप फाइल और एक ओपन जी एप्स का फाइल। मैं सजेस्ट करूँगा ओपन जी एप्स जो है माइक्रो नैनो या पीको में से ही कोई एक जिप आप डाउनलोड करें, उससे बड़ा साइज़ का कोई भी जिप आप डाउनलोड ना करें। तो अभी ये हो गया तो हम लोग जल्दी से वाइप में आ जाते हैं और डेल्विक कैश सिस्टम एंड डेटा इन चारों ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और वाइप कर देना है। तो ये वाइप होते ही हमें क्या करना है, जल्दी से रोम का जो है जिप फाइल सिलेक्ट करना है और फ्लैश कर देना है। तो ये रहा हो चुका है हम लोगों का रोम का फाइल टोटली फ्लैश्ड। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओपन जी एप्स का फाइल है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नैनो जिप, तो ये सिलेक्ट करना है और नॉर्मली जो है हम लोगों को फ्लैश कर देना है। तो ये रहा, हम लोग देख सकते हैं हमारा ओपन जी एप्स भी हो चुका है सक्सेसफुली फ्लैश। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट नॉर्मली रिबूट टू द सिस्टम क्लिक कर देना पड़ेगा। तो ये रहा आ चुका है हम लोगों का Redmi का लोगो और ये रहा रोम का जो आइकन है, जो बूटिंग एनिमेशन है वो भी यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है। तो फर्स्ट बूट थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा एज कम्पेयर टू द कंसेक्यूटिव बूट जो बाद में हम लोग देखेंगे, तो ये टाइम हम लोगों को थोड़ा मतलब वेट करना पड़ता है। तो ये रहा हो चुका है हम लोगों का रोम स्टार्ट। अभी हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल वाईफाई एंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, नॉर्मल सिम सिलेक्ट करने पड़ेंगे और जो जो एंड्रॉयड के फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो सभी हम लोगों को पूरे करने पड़ेंगे और बस उसके बाद ही हम लोगों का जो रोम है वो एकदम से रेडी हो जाएगा, यूज़ करने के लायक बन जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं आप सभी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ।